हॉट टेक, इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है एक इंसान का, जिसने जो सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाता है, ठीक है, बायसनेस इज फिल्ड टू द ब्रिम, उसके विचार में, उसके बॉडी में, उसके दिमाग में एक चपड़गंजू है, जिसका एक ट्वीट आया था कल, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया है। अब वो ट्वीट गायब हो चुका है, वो डिलीट कर चुका है, क्योंकि सपोजिटली वो एक्सपर्ट है एनालाइज करने में, चीज़ें रिसर्च करके प्रेजेंट करने में लोगों के सामने, बट शायद उन्होंने ये बिना रिसर्च किए ही डाल दिया, क्योंकि हेट इतना उमड़ रहा था उनके दिल में कि बस डालना था उनको। तो अभी अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप एंथम रिलीज हुआ है आईसीसी की तरफ से, जो प्रीतम दा ने कंपोज किया है, एंड वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट जो है वो कर रहे हैं उनका जो भी करना है। और फिर एक एडिडास इंडियन क्रिकेट टीम एंथम इस वर्ल्ड कप के लिए रिलीज हुआ है, रैप जिसमें पार्टिसिपेट किए हैं रफ्तार एंड करण कंचन, म्यूजिक प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जो ये इंसान है, ये बिना क्रेडिट्स देखे बस उन्होंने बोल दिया कि जो वर्ल्ड कप एंथम है वो बकवास है, रफ्तार ने बकवास किया है। उन्होंने बकायदा टैग भी किया था रफ्तार को कि रफ्तार बकवास किया है, बट इनको चरण और रफ्तार के बीच में बीच का अंतर नहीं मालूम है कि रफ्तार कौन है चरण कौन है। बट एनीवे, उस ट्वीट पर हम ये वीडियो नहीं करने वाले, हम एक और ट्वीट पर वीडियो करने वाले हैं। तो ये इंसान जो है, इसको मैं आज इतना वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, बकायदा इसके ऊपर एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तब मैं इसको ना फॉलो करता हूँ ना मैं इसके ट्वीट्स को जाके ढूंढता हूँ क्या ट्वीट किया इसने, मैं इसको काउंटर करूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। बट कहीं ना कहीं घूम फिर के ये किसके किसको रिप्लाई करता है, किसी हिप हॉप पीस को रिप्लाई करता है, मेरे आंखों के सामने आ जाता है और मैं पढ़ लेता हूँ। ये जो इंसान है, ये इंसान का खुद का कोई पहचान नहीं है, खुद का कोई वैल्यू नहीं है, ये दूसरे आर्टिस्टों के बदौलत खुद की वैल्यू बढ़ा रहा है। मतलब Twitter/X के बायो पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि फॉलोड बाय जस्टिन बीबर, फिर उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो पिंड ट्वीट में आपको दिखेगा कि एमए बंटा ने मुझे वापस फॉलो कर दिया। अब रिसेंटली उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी उन्होंने ड्रॉप किया था कि एमए बंटा के साथ मैं कॉल पे बातचीत करता हूँ। सो गाइज, यू आर थिंकिंग दैट आई एम अ लूजर, आई एम नॉट अ लूजर बिकॉज आई टॉक टू एमए बंटा। आई एम हैप्पी फॉर दिस गाय ब्रो, आई एम हैप्पी फॉर दिस गाय कि एटलीस्ट यू नो स्पंज का जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंसान कर रहा है। बट एनीवे, एक ट्वीट जो है, मैं अगेन, मैं इनको फॉलो नहीं करता ना ही मैं जाके इनको ढूंढता हूँ, बट क्योंकि कुछ हिप हॉप पेजेस के साथ जो है इनका 36 का आंकड़ा रहता है, तो इनके जो ट्वीट है वो मेरे न्यूज़ फीड में आता है, पता नहीं एल्गोरिथम का क्या मामला है। इन्होंने लिखा है, कृष्णा नेवर इंटरैक्ट विथ हिज फैंस प्रॉपरली, रेयरली कम्स लाइव टू टॉक विद देम, रेयरली शेयर्स फैंस पोस्ट्स, कृष्णा जस्ट यूजेस देम फॉर हिज बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट, ही डज नॉट सीम लाइक ही केयर फॉर देम। और उसके बाद लिखा है, एंड देयर इज एमयूए बंटा है हु शेयर्स फैंस वर्क ऑल द टाइम, रिप्लाइज टू द मैसेजेस एंड कम लाइव व्हेनेवर पॉसिबल टू टॉक टू देम। इट डजंट मेक एनी सेंस, लाइक इससे ज्यादा बोगस चीज अगर कोई लिख सकता है, लिख सकते हैं भाई, बोगस है मतलब इनके कैटेगरी में ही यू नो आते हैं काफ़ी सारे लोग, बट ब्रो दिस हाउ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई रैंडम इंसान ये चीज़ लिखता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक इंसान है जिसको एमयू बंटा है, जिसके पोस्ट्स, जिसके ट्वीट्स एमयू बंटा है शेयर करते, जिसके ट्वीट्स और पोस्ट बंटा है रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट शेयर करते। आई मीन, आई एम बेगिंग यू गाइज, एमयू बंटा इफ यू वॉचिंग दिस बाय मिस्टेक, या फिर बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट इफ यू वॉचिंग दिस, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, ठीक है, सोशल मीडिया पर, प्लीज उनके पोस्ट आप शेयर करो, दिस इज शेयर रबिश बुलशिट, ठीक है, कि एक आर्टिस्ट इंस्टाग्राम लाइव नहीं आता, दैट मीन्स दैट ही डजेंट केयर फॉर हिज फैंस, आई मीन दैट डजेंट मेक एनी सेंस। मेरे को अभी भी याद है कि बेंगलुरु में भर भर के बारिश हो रही थी और लोग वहाँ पे उमड़ पड़े थे टू सी कृष्णा यू नो परफॉर्म, और कृष्णा आया, बारिश में परफॉर्म किया उसने, दैट इज़ द कमिटमेंट, एक आर्टिस्ट का कमिटमेंट है उसके फैंस के प्रति। पिछले 1.5-2 साल में कृष्णा ने कितने परफॉर्मेंस किए हैं, है कि नहीं, कितने कॉन्सर्ट्स किए हैं,
क्योंकि अब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, रैप उतना आगे बढ़ चुका है कि कॉन्सर्ट्स बकायदा हो रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, और आर्टिस्ट जाके कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, लोग आके सुन रहे हैं। ठीक है, एक आर्टिस्ट को लोग जानते उसके काम से, और उसके काम के माध्यम से ही एक आर्टिस्ट अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करता है। हाउ कैन यू कंपेयर एक इंस्टाग्राम लाइव या फिर इंटरव्यू अगर कोई नहीं कर रहा है तो दैट सिंपली मीन दैट ही डजंट, द आर्टिस्ट डजंट केयर फॉर हिज फैंस। ये कैसे बोल सकते हो आप? लाइक चलो फॉर एग्जांपल हम एमिनेम की बात ले लेते हैं, द रैप गॉड। ठीक है, उसके आप पोस्ट्स देख लो, कितने फैंस के रील्स शेयर करता है या फिर पोस्ट शेयर करता है, कितने फैंस के करता है, वो करता है, उसका क्या मतलब है दैट ही डजंट केयर फॉर हिज फैंस? हाँ, वो अपने टूर के बारे में अपडेट देता है, वो अपने मर्चेंडाइज के बारे में अपडेट देता है, वो अपने किसी और के, लाइक अभी रिसेंटली 50 सेंट्स के कॉन्सर्ट में वो गया था, अपियर किया था, तो उसका अपडेट दिया, वो इन सब चीज़ों के बारे में अपडेट देता है, अपने लेबल के बारे में, अपने लेबल पे जो भी अपडेट्स है वो शेयर करता है। तो इसका मतलब क्या है? ही डजंट केयर फॉर हिज फैंस। तो इतने लोग उसके दीवाने क्यों हैं फिर? उसके काम के वजह से, एमिनेम के काम के वजह से लोग उसके दीवाने हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जिनके काम बढ़िया है लेकिन दे आर शिटी पीपल, लाइक शुभ फॉर एग्जाम्पल। उसका गाने लवली सॉन्ग्स, लूप मटेरियल, लेकिन द पर्सन इज शिटी, इसीलिए उसका टूर जो है अभी कैंसिल हो गया है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आर्ट के वजह से आर्टिस्ट जाना जाता है। एमिनेम को लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज आर्ट, और एमिनेम इंटरेक्ट करते हैं अपने फैंस के साथ जब वो लाइव आता है कॉन्सर्ट्स में, ना कि इंस्टाग्राम में। जब वो कॉन्सर्ट्स वगैरह में आता है तब वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है, बिकॉज दैट्स ऑल ही नीड। ब्रो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पीपल। और अ फेक जैसे लोग जिसकी ओवर ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर, वो बोलते हैं कि दिस गाय इज रीजनेबल एंड स्मार्ट। इन विच वे अ फेक? इफ यू आर वॉचिंग दिस, यू हैव इश्यूज। अगर आपको ये इंसान रीजनेबल एंड स्मार्ट लग रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई भी हरकत अभी तक रीजनेबल या फिर स्मार्ट नजर नहीं आया है। ये वही इंसान है जो सपोजिटली एक्सपोजे कर रहा था कृष्णा का, एक भी न्यूज देखने को नहीं मिला या फिर एक भी अपडेट देख सुनने को नहीं मिला है इन ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कि कृष्णा को बैन कर दिया गया है। बिकॉज मैंने जहाँ तक सुना है कि ये सब चीज़ें जो उन्होंने एक्सपोजे किया था, तो मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे को तो अभी तक पता नहीं चला कि वो कृष्णा को क्यों अभी तक बैन नहीं किए हैं। इसका मतलब इनका जो एक्सपोजे है वो इतना वैल्यूएबल नहीं था। अरे भाई, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं है उनका एक्सपोजे कैसे वैल्यूएबल हो सकता है? आप देखो एक बात, ये हिप हॉप पेजेस के पीछे पड़ा रहता है यार। अभी रिसेंटली एमिवे ने उनको फॉलो किया है, तो वो बोल रहे कि हिप हॉप पेजेस को टैग करके बोल रहे कि देखो एमिवे ने मुझे फॉलो बैक कर लिया। इतनी सी सोच तो है इनकी। अब मैं एमिवे की बात करता हूँ, एमिवे ने गली के कुत्ते जो डिवाइन का डिस था उसमें बोला था, एक लाइन था उनका कि एकॉन और नार से तूने गली बुलवाया, क्या इतना ही बड़ा तेरा गोल है? ये एक बार था एमिवे का जब उसने गली का कुत्ता बनाया था डिवाइन के लिए, क्योंकि डिवाइन ने बोला था कि मैंने एकॉन और नार से गली बुलवाया। तो एमिवे बोला था कि ये इतना बड़ा तेरा ड्रीम है, जबकि वो एक बहुत बड़ी बात है कि एकॉन और नार से इंडिया में अपनी लैंग्वेज बुलवाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसको फ्लैक्स किया था डिवाइन ने, जो कि एक फ्लैक्स करना लायक भी है, लेकिन उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया एमिवे बंटाई ने। तो आप समझ सकते हो कि एमिवे के दिल में इस इंसान के लिए कितनी वैल्यू होगी जिसका खुद का कोई पहचान ही नहीं है, जो दूसरे आर्टिस्टों के नाम को इस्तेमाल करके खुद की वैल्यू बढ़ाता है कि नहीं? एमिवे एज अ पर्सन मुझे बहुत पसंद है, एज एन आर्टिस्ट भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसको मैंने पहले जाना उसके आर्ट के वजह से, उसके ट्रैक्स के वजह से। उसके बाद हमने उसके इंटरव्यूज देखे, उसके इंस्टाग्राम लाइव्स देखे, दैट्स हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। वो अपने ट्रैक्स से भी एक्सप्रेस करता है और वो इंस्टाग्राम लाइव और इंटरव्यूज में भी आके एक्सप्रेस करता है। दैट्स हिज वे एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मैंने हर बार बोला है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना एक जरिया है एक्सप्रेस करने का चीज़ें, और वो करता है वो चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कृष्णा कभी इंस्टाग्राम लाइव आया नहीं है, वो आया है, बट ही प्रिफर्स एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस थ्रू हिज ट्रैक्स। अब उसको हम गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, उसका वो जरिया है,
बोलने का, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो ट्रैक्स में एक्सप्रेस कर सकता है, एक रिदम में एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। इसके लिए उसके अपने फैन बेस है जो उसको सुनते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके ट्वीट्स, पोस्ट्स, जितने भी चीज़ें ये करता है सोशल मीडिया पर, 1% भी पॉजिटिव नहीं है, 1% भी नहीं है। एंड दिस गाय हैज़ द ऑडेसिटी टू से कि थैंक्स बीकेपी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक दिस सीन फॉरवर्ड। इस इंसान ने ये ट्वीट किया है कि मैं इस सीन को आगे लेकर जा रहा हूँ। तू इस सीन को कहीं पे भी नहीं लेकर जा रहा है, पहली बात तो ये अपने दिमाग से हटा दे कि तू इस सीन को एक कदम भी आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल लेकर नहीं जा रहा है तू इस सीन को कहीं पे भी। इस सीन को लेकर जा रहे हैं जिसका नाम लेकर तू आगे बढ़ रहा है, एमवे इस सीन को आगे लेकर जा रहा है, कृष्णा इस सीन को लेकर आगे जा रहा है, आर्टिस्ट लाइक सम्मोहित, अल्ताफ, नैज, आर्टिस्ट लाइक बेला इस सीन को लेकर आगे जा, इस सीन को आगे लेकर जा रहे हैं, ग्रेविटी, लोकी, ब्रो दिस गाइज अ लोकी एक्सेप्शनल आर्टिस्ट जो लोगों के सामने ऐसे उभर कर नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन अगेन फ्यूचर में डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ, इनके आर्ट इतने तगड़े हैं कि ये जाएंगे कहाँ, आज नहीं तो कल डेफिनेटली लोगों के सामने आने वाले हैं और लोगों को इनकी वैल्यू पता लगने वाली है, क्योंकि यही आर्टिस्ट है जो हिप हॉप सीन को आगे लेकर जा रहे हैं। नॉट यू, नॉट यू, ठीक है, ये गांठ बांध लो।